राइट एवरीबॉडी, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ में एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, जो कंपनी का डिटेल्स देने वाले हैं, ये सबसे अच्छा सिक्योरिटी कंपनी होने वाला है। क्योंकि दोस्तों इसमें जो प्लस पॉइंटेड बताया गया, ESI PA प्लस ग्रेजुएटी पेंशन एंड बोनस फैसिलिटीज़, ऑलमोस्ट आज तक मैंने नहीं सुना था कि पेंशन फैसिलिटीज़ भी सिक्योरिटी इंडस्ट्रीज में मिलता है, ग्रेजुएटी मिलता है, सब कुछ इसमें मिलने वाला है। वन ऑफ द बेस्ट जॉब इन कोलकाता लोकेशंस, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा ताकि इंफॉर्मेशन जो भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा वो आपको पूरा मिलेगा। दोस्तों ये वीडियो अप्रॉक्स 2 दिन बाद अपलोड हो रहा है, बिकॉज मेरा तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब था और मेरे को बहुत ज्यादा तबीयत खराब था, इसलिए मैंने वीडियोज अपलोड नहीं किया, कंटिन्यू नहीं था हम अपने चैनल पर, इसके लिए सॉरी। लेकिन वेबसाइट पर सब कुछ अपडेट हुआ है, आप जाके देख सकते हो। सो आई थिंक यहां पर जो कंपनी का नाम है, सिक्योरिटी कंपनी है, सिक्योरिटी गार्ड का जॉब्स होने वाला है, जिसमें मैं बता दूं आपको जो ड्यूटी होंगे वो ड्यूटी 12 आवर्स की शिफ्टिंग होंगी, 12 घंटे का काम होने वाला है, वीकली वन डे ऑफ है, साप्ताहिक आपको एक छुट्टी भी देखने को मिल जाएगा। देखो साप्ताहिक एक छुट्टी बहुत बड़ा प्लस पॉइंटेड होता है, मैंने बहुत सारे ऐसे सिक्योरिटी इंडस्ट्रीज में देखे जिसमें 26 डेज ड्यूटी नहीं होती है, 30 दिन काम होता है, लेकिन इस सिक्योरिटी इंडस्ट्रीज में आपको वीकली वन डे ऑफ मिल जाता है, ये बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंटेड है, इस बात को नोट करना आप। लोकेशंस की बात करें तो कोलकाता हावड़ा लोकेशंस में ये जॉब्स होने वाले हैं। देखो एक सिक्योरिटी इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए आपका हाइट, आपका एजुकेशंस, आपका वेट मेंशंस करना चाहिए, मतलब ये सब कंपलसरी होना चाहिए। तो इसमें जो क्वालिफिकेशंस डिमांड किया गया, मिनिमम 10th पास होना चाहिए, अगर आप 10th पास है आप एलिजिबल है, आप कर सकते हैं, अगर आप 10th पास नहीं है तो आप इस जॉब के लिए अन एलिजिबल है, आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर एज का क्राइटेरिया बता दूँ तो एज मिनिमम 18 इयर्स होना चाहिए, मैक्सिमम 35 इयर्स होना चाहिए, एज का क्राइटेरिया बेसिकली कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि एज आपका मेंशन करता है, अगर आपका एज का क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं है तो आप इस जॉब को नहीं कर सकते हैं। यहां पर मैं बता दूं हाइट, तो हाइट मिनिमम 5.7 फीट होने चाहिए, जो हाइट आपका कंपलसरी होना चाहिए। देखो यहां पर हाइट मेंशन करा दिया गया इसलिए कि बिना जो हाइट इससे बिलो जिनका हाइट होगा उनका नहीं ज्वाइनिंग हो पाएगा, 5.7 फीट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैं बता दूँ सैलरीज के बारे में, तो सैलरी से पहले फैसिलिटीज़ बता देता हूँ। फैसिलिटीज़ में ESI, PF, ग्रेजुएटी, पेंशन, बोनस, ऑल फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड दिस सिक्योरिटी कंपनी, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंटेड है। और सिक्योरिटी जो कंपनी है वो लिमिटेड कंपनी है, सैलरी जो मिलेंगे 9,000 रुपये एज ए स्टार्टिंग फ्रेशर सैलरी होंगे, आफ्टर देन आप जैसे जैसे उस कंपनी में काम करोगे, आप ये टाइम एक्सपेंड करोगे तो आप सिक्योरिटी सुपरवाइजर, सिक्योरिटी SO, सिक्योरिटी फील्ड ऑफिसर ऐसे बन सकते हो, और सैलरी तो 50,000 तक कमा सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उस कंपनी में आप कितने टाइम एक्सपेंड करते हो और आपका एजुकेशन हायर देन कितना है। अब बात करते हैं दोस्तों की सैलरी, मैंने बताया 9,000 रुपये स्टार्टिंग सैलरी है, ये सैलरी इंक्रीज होकर के 50,000 तक जा सकती है, बिकॉज आपके काम का डिपेंड कैसा है, काम कैसे करते हो, ये भी जरूरी होता है। सो आई थिंक अगर ये जॉब्स करना है, दिए गए स्क्रीन पे कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट करके बात कर लेना, या दोस्तों आप इस वेबसाइट पे जा सकते हो www.bluemayacareer.in पे, इस पे भी पर डे बेसिस जॉब्स अपडेट होते रहते हैं। सो आई थिंक आज के वीडियो के लिए इतना ही, अगर हमारा इंफॉर्मेशन आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली दफा विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय।